केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल रहे हैं, ऑल द बेस्ट। हाँ, और बहुत ढंग से करके आना, ठीक है? ये पहले पंगे लेकर हर चीज जब सीख के आएगा फिर हम तुम्हें बताएंगे कैसे करना है ढंग से। इनको छोड़ के आते हैं, वैसे पूरा गिल्ला हो चुका उनको छोड़ने के चक्कर में, बट वो केदारनाथ के लिए निकल गया है ना, वो ढंग से पहुंच जाए सेफली, सब कुछ करें तो फटाफट मुझे नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश के पानी में रहना नहीं चाहिए। फिर नहाकर तैयार होता हूँ एंड फिर आपको सो जाऊँगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह दूर के क्या ही करना है, अभी बारिश चल रही है। फटाफट अभी मेरे को नहाना पड़ेगा एंड वापस होना पड़ेगा। मैं पहले कूलर चाय पियाँ, ठंडी ठंडी बारिश है तो कूलर चाय बेस्ट कॉम्बिनेशन। नमस्ते, वेलकम है ऋषिकेश, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में, एंड हमें ऋषिकेश में हो गया सेकंड डे, एंड आज कुछ स्पेशल है, आज है बहन का बर्थडे। इतनी खुशी मुझे आज तक, एंड अभी अभी आया मुझसे उस पास का, तो बहन का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सारे प्लीज स्पैम कर देना। एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, कल रात को मैंने केक इसलिए नहीं कटवाया बिकॉज यहाँ पर साइज बाइन जल्दी बन जाती है, तो ये मत कहना भाई तुमने कुछ करा नहीं, हमने करा कर सकते थे लेकिन मिला नहीं हमें। थिंग इज़ कि अभी सुबह सुबह हम आए गंगा व्यू कैफे के अंदर, एंड यहाँ पर व्यू बड़ा प्यारा है, तो मैं उसकी सिनेमैटिक दिखाता हूँ। एंड ऑल्सो अभी हम खाना खाने बैठे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू, यहाँ बहुत फॉरेनर जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, और तेरे को बस ऐसे स्माइल करते रहना है, कुछ बोला नहीं है। वहां से कैफे से आने के बाद, थोड़ा बहन का बर्थडे मनाने के बाद, डिसाइडेड टू गो टू वाइट सैंड बीच, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे जो बीचेज हैं ना, मतलब बीच कह रहा हूँ मैं, नाम ये लोग भी बीच ही बोल रहे हैं, बट एक तरीके से तुम घाट के पास के एरिया समझ लो, वहाँ पर ना क्योंकि यहाँ पर वाइट सैंड मिलते हैं कंपेरेटिवली, जब बाहर तुम देखते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पर क्रीम कलर की, ब्राउन कलर की, इस कलर की सैंड मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ी वाइट कलर की सैंड मिलती है, तो यहाँ पर वाइट बीच सैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत जगहों पर छोटे छोटे कहीं पे बड़े बड़े बने होते हैं, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, एंड और भी बहुत सारी जगह भी हम, क्योंकि हमारा लास्ट डे ऋषिकेश में, कल हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे वापस, एंड एक दिन हरिद्वार में बिताएंगे। तो बस वैन एक बार कमरा वो करके आ रही है लॉक, एंड उसके बाद हम चलते हैं वाइट सैंड बीच देखने। द मेन थिंग इज, यहाँ से अभी निकलते ही एंड कुछ दूर चलते ही अगर तुम्हें रूम्स वगैरह लेना है तो तुम उस हिसाब से लेना जहाँ के जिसके आसपास तुम्हें घूमना है। अब जैसे हमसे एक छोटी सी गलती हुई, क्योंकि लक्ष्मण झूला काफ़ी फेमस था पहले, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सामान, उसके आसपास काफ़ी कैफे थे घूमने के एरिया से, बट रिसेंट में वो भी बंद हो गया, अभी नया बन रहा है, वो काफ़ी सुंदर सा, तो लेकिन अभी तो वहाँ बंद है, तो उसकी वजह से अभी हमारे घूमने के लिए काफ़ी दूर आना पड़ रहा है, लाइक हर चीज़ के लिए 2-3 किलोमीटर का ट्रैवल पक्का है। तो इससे अच्छा तुम कर सकते हो कि तुम या तो जान या राम सेतु के पास ही अपना कोई पीजी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे स्टे वगैरह ढूंढ लेना, ताकि तुम्हें फ़ायदा हो, लाइक वो 3-4 किलोमीटर भी तुम्हारे बच जाए, हर छोटी चीज़ के लिए कहीं जाना हो वहीं पे तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, आई वुड प्रेफर दैट। और यहाँ पर बंदर भी है तो बच के रखना अपने फ़ोन एंड सामान। वाइट सैंड बीच हमें जाने नहीं दिया बिकॉज हाई एल्टीट्यूड वेव्स, क्यों लगते हैं मेरे कहने लग जाती, कुछ बोल लिया अगर ब्लॉग आई है। मेन थिंग इज कि हमें वाइट बीच सैंड पे नहीं जान दिया, जो कि ना बी ए जैन ना वाइट है ना सैंड है, हम आ गए घाट पे, हम घाट पे आ गए, अब कहीं और चलते हैं, बोर हो जाएंगे ऐसे, तो चलो कहीं और चलते हैं। फाइनली हमें एक जगह मिली है, थोड़ा छुप के ये एरिया आसानी से नहीं मिल, ज़्यादा ही छुपके हैं, हाँ कुछ ज़्यादा ही, इंसान समझता है कि इसकी तरह सबको ड्राइविंग करनी आती है जो कि मुझे नहीं आती है, और ये ऐसे एक बार रास्ता दिखाई कैसे रास्तों पर तू मुझसे ड्राइव करा के लेके आया है, ये ऐसे रास्तों पर, ये ऐसे रास्तों पे मुझे ड्राइव करा के लेके आया है, और मैंने स्कूटी ड्राइव करी है इस रास्ते पे, बट द थिंग इज कि तुम आधे से ज़्यादा रास्ता एक बार कवर कर सकते हो एक्टिवा से, कोई इतना मेजर इशू नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे तुम्हें लगे ना गाड़ियों की पार्किंग से अलग से बना रखी है नीचे आकर, तो फिर वहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है पार्क करने की, उसके आगे तो बिल्कुल ही रोड ख़राब है, उसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। एंड फाइनली हम बीच पर बैठ पाएंगे, ये बीच बंद ना हो, एंड बहुत कम लोग अभी जाते हैं मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से, ज़्यादा किसी को पता नहीं है। हाँ भाई, ये काइंड ऑफ वो सीक्रेट बीच वाले जो वीडियोस बनती है ना, वैसी वीडियो है यहाँ पर, हमें हम ये बीच की लोकेशन शेयर नहीं करेंगे ताकि ये सीक्रेट रहे।
बाकी अगर कोई ढूंढ पाए तो ढूंढ के आ जाना गाइस। बहुत वो देता हूँ हिंट, सोबो गार्डन से आगे जाकर है। सोहो, सोहो गार्डन से आगे जाकर है। बाकी तुम है हॉलीवुड क्यों? साउथ हॉलीवुड वाले ने खोली थी क्या? अब देखो चलते चलते कंप्लेन कर रही है। ऐसे है पूरी लोकेशन एंड देखा जाए तो टोटल में 4-5 फैमिलीज ऑलरेडी आ रहे हैं। एक ग्रुप ये जा रहा है, एक हम जा रहे हैं। कंपैरेटिवली कम ही है जितनी वैसे होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत डिस्कवर हो रखा है। खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैंने मेरे को ना समझ नहीं आ रहा ऋषिकेश हमसे क्या चाहता है। क्या चाहता है क्यों? बिकॉज एक सेकंड में अच्छा मौसम, एक सेकंड में बारिश वाला मौसम, एक सेकंड में गर्मियां। हमें एक सारे मौसम एक्सपीरियंस करा रहे हैं। ठंड के अलावा इसने हमें तीनों मौसम तो फील कराई थी। मतलब मेन थिंग इज अच्छा है, बात है। वैसे इस मौसम के आसपास अगर तुम आओगे तो तुम्हें मजा आएगा। अब हम चलते हैं एक और पूजा पे, गंगा पूजा पे। कौन सी जगह? त्रिवेणी घाट ना। लास्ट टाइम हम गए थे कलम, हाँ परमात आश्रम गए थे। आज हम त्रिवेणी का में जा रहे हैं घाट पे देखने वहाँ कैसी है। और उससे पहले बीच में वो रुक करना, मेरे को ना वो जरूर लेने हैं। दो चीजें लेनी है मेरे को, एक तो मैग्नेट्स जो फ्रिज पे लगते हैं वो यहाँ के, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज वो जो बाइकों के ऊपर वो जो कीरिंग लगता है ना, हाई हिमालय वाला, वो ऐसे डंडे वाला, वो दो चीजें लेंगे। तो वो भी लेके आते हैं, तो मैं मार्केट दिखाता हूँ बस। तो गाइस जब हम आगे, कौन सी जगह बहन? त्रिवेणी घाट। हाँ त्रिवेणी घाट आ गए हैं। एंड लेट मी टेल यू, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि हम कल यहाँ क्यों नहीं आए। आज पूजा वैसे मिल हो नहीं रही आज, पता नहीं क्या हमारी किस्मत इतनी क्या खराब है कि मैं अच्छी वाली पूजा नहीं देख पा रहा। बट द मेन थिंग इज कि इतना अच्छा लुक यहाँ बन रहा है, एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि इतने प्यारा प्यारा सीनरी क्रिएट हो रही है। अगर मन करे यहाँ से फोटो खींच चला जाओ और घर पे जाके इसको वॉलपेपर बना लो अपना, इसको बार बार देखने को मिले। देखो इसने नया कुर्ता खरीदा मेरी चॉइस का, इसको मेरे पे पहना बहुत अच्छा लगा, लेकिन डू आई कैन स्टिल से कि मैंने ज्यादा अच्छा करा। अनाउंसमेंट हो रही है, प्लीज कह दे कि आरती हो रही है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं।